आज हम टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें टेप सेटिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चन वो गिवन है, अ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन इज फीडिंग फ्रॉम अ 13.8/220 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर एट इट्स सेंडिंग एंड। द लाइन इज सप्लाइंग अ 105 मेगावाट एम्पियर 0.8 पावर फैक्टर लोड थ्रू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑफ 220/13.8 किलो वोल्ट। टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन एंड ट्रांसफार्मर एट 220 किलो वोल्ट इज 20+j120 ohms. The sending end transformer is energized from a 13.8 kilovolt supply. Find out the tap setting for each transformer to maintain the voltage at load at 13.8 kilovolt. ठीक है, हमें कुछ ऐसे दी हुई है। हमें क्या दिया है, इम्पीडेंस दिया हुआ है, टोटल इम्पीडेंस, और साथ में हमको अब क्या फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रियल पावर फाइंड आउट करेंगे। रियल पावर फाइंड आउट करेंगे तो पर फेज पावर यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एमबीए रेटिंग हमको दी हुई है 105 MVA, तो ये 105 रखा। साथ में पावर फैक्टर हमें क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर हमें दिया है 0.8। यहां से हमारी रियल पावर आ जाएगी जो क्या होगी, 28 मेगावाट। सिमिलरली रिएक्टिव पावर की यदि मैं बात करती हूँ तो रिएक्टिव पावर भी पर फेज यदि मुझे निकालनी है 1/3, एमबीए रेटिंग क्या दी है 105 मेगावाट एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ क्या होगा, साइन फाई होगा, तो यहाँ कॉस फाई था, कॉस फाई इज इक्वल टू 0.8 है, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई टेन इनवर्स करके आप फाई निकाल सकते हैं, उससे साइन फाई निकलेगा तो 0.6 निकलेगा। दिस विल बी इक्वल टू 21 MVAR। ठीक, एक और चीज हमने देखी है, सोर्स एंड द लोड फेज वोल्टेज रिफर टू हाई वोल्टेज साइड क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 220/√3 किलो, पर फेज वोल्टेज की बात करें हम, ठीक है, पर फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड जो रहेंगे वो 220/√3 किलो वोल्ट ना रहेगा, विच विल बी इक्वल टू 127.017 किलो वोल्ट। एक इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में डिराइव की थी टेप सेटिंग की, वो हम यहाँ यूज करेंगे। मैं इक्वेशन को रीराइट कर देती हूँ, आपको यदि उसका डेरिवेशन देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। तो TR विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मल्टीप्लाइड बाय 1 - PR + QX डिवाइडेड बाय V1 V2, इसका इनवर्स और होल का अंडर रूट। P की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें पता है, V2 by V1 मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक, साथ ही साथ R इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, इम्पीडेंस क्या कहा है, इम्पीडेंस कहा है 20+j120 ओम। ठीक, 20+j120 ओम हमको ये गिवन है, R इज इक्वल टू हमारा हो गया 20 ओम्स। रिएक्टेंस हमको कितना दिया है, इम्पीडेंस दिया है ना R+jX, X हमको दिया हुआ है 120 ओम्स। ये सारी चीजें हमें पता है। रियल पावर और रिएक्टिव पावर पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इन सभी को इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, TS will be equal to, ये TR नहीं था एक्चुअली, TS था ये, TS will be equal to, इनका रेशियो क्या है 1 है, 1 × 1 - रियल पावर कितनी निकल के आई थी, P है ना, तो रियल पावर 28 निकल के आई थी, मल्टीप्लाइड बाय R, R हमारे पास है 20, प्लस रिएक्टिव पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय X कितना है 120 डिवाइडेड बाय 127.017 इसका स्क्वायर, इसका इनवर्स और इसका अंडर रूट। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको टैप सेटिंग मिलती है 1.11, जिससे हमको क्या मिलेगा, TR विल बी इक्वल टू 1/TS, ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/1.11 विच विल बी इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो हमें दोनों टैप सेटिंग्स जो है इस तरह से मिल जाती है। सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको एमवीए रेटिंग दी हुई थी, इम्पीडेंस गिवन था, इसका मतलब हमें आर और एक्स की वैल्यू भी गिवन थी, साथ में हमने क्योंकि थ्री फेज है हमने पर फेज पावर कैलकुलेट कर ली, रियल पावर कैलकुलेट कर ली, रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर ली, रिलेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं टैप सेटिंग का, तो उसमें सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमको आंसर मिल जाएगा।